हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीए फर्स्ट ईयर। काबुली वाला चैप्टर वी हैव डन। यू हैव टू डू 10 चैप्टर्स। द डेथ ऑफ हीरो, ग्रीफ, डॉक्टर्स वर्ड, द डोल्स हाउस, डस्क, एंड आईज आर नॉट हेयर, अंकल पोजर हैंग्स अ पिक्चर। मीन्स यू हैव टू डू ओनली 10 चैप्टर्स, है ना। डस्क आपका लास्ट चैप्टर है, उसके बाद जो 11, 12, 13, 14, 15 दीज आर नॉट इन योर सिलेबस। मीन्स यू हैव टू डू काबुली वाला, आईज आर नॉट हेयर, द डेथ ऑफ हीरो, ग्रीफ, अंकल पोजर हैंग्स अ पिक्चर, द डॉक्टर्स वर्ड, ग्रीन पैरट्स इन द केज, द डोल्स हाउस, अ सर्विस ऑफ लव, डस्क। ठीक है, इनमें से जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं वो कौन कौन से? एक तो काबुली वाला, आई टोल्ड यू अर्लियर कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन द डेथ ऑफ हीरो, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ चैप्टर अंकल पोजर हैंग्स अ पिक्चर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर्स वर्ड में का भी बहुत इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चंस बनते हैं। देन आपका उसके बाद डस्क भी ठीक है, सर्विस ऑफ लव पे भी शायद क्वेश्चन आ सकता है, द डॉल्स हाउस इज ओके। मीन्स ठीक है, आपको काबुली वाला एक तो ध्यान से कर लेना, एक डेथ ऑफ अ हीरो, अंकल पोजर हैंग्स अ पिक्चर और डॉक्टर्स वर्ड, ये फोर तो इंपॉर्टेंट है ही है, इसमें तो क्वेश्चन आ ही जाता है। और ग्रीन पैरट्स इन अ केज, डोल्स हाउस, इनमें से मतलब चांसेस थोड़े से कम होते हैं, लेकिन ये चैप्टर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो 10 चैप्टर्स यू हैव टू डू। इनमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं काबुली वाला का, तो काबुली वाला का कैरेक्टर स्केच और मिनी और काबुली वाला में जो एक अच्छा सा फ्रेंडशिप का रिलेशन बन गया था उसके बारे में आ सकता है। आईज आर नॉट हेयर अगेन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, रस्किन बॉन्ड के बारे में है। आईज आर नॉट हेयर का मेन चैप्टर में क्या बताया हुआ है कि जो पीपल हैं इसमें क्या है, जो नरेटर है ही इज़ ब्लाइंड और उसे ट्रेन में एक लड़की मिलती है, शी इज़ ऑल्सो ब्लाइंड, तो बोथ आर ब्लाइंड। तो एक जो पर्सन है जिसकी आईज है, अ पर्सन हु कैन सी, व्हेन ही एंटर्ड इन द कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन, देन नरेटर हु इज़ ब्लाइंड ही आस्क हिम कि जो लड़की यहाँ पे खड़ी थी है ना, उसके बाल कैसे थे और उसकी आईज कैसे थी। तो वो कहता है कि मुझे ध्यान तो नहीं है पर उसकी बाल ऐसे थे, उसकी आईज ऐसी थी। इट मीन्स कि जो नरेटर है उसकी आंखें नहीं हैं, वो फिर भी अपने सामने बैठी उस लड़की को पूरा पहचानने की कोशिश कर रहा है कि वो कैसी हो सकती है, मतलब उस अब वो अपने अंदर की आंखों से देख रहा है। द आईज आर नॉट हेयर का मतलब है कि वी पीपल आर हैविंग आईज बट स्टिल वी डोंट रिमेम्बर कि हम जो लोगों को आज मिले उसने क्या 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 पहना था या किसकी आईज कैसी हैं, किसके बाल कैसे हैं, मतलब हम आंखें होते हुए भी नहीं देखते और जो ब्लाइंड पीपल हैं वो अपनी इनर आईज से देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आईज होना या ना होना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द थिंग इज कि आप कितना जो आपके साथ बंदा बैठा है उसको कितना आप फील कर सकते हो, कितना आप उसको समझ सकते हो, बिना आंखों के भी आप उसको कितनी वैल्यू दे सकते हो। तो आईज आर नॉट हेयर का क्वेश्चन आपका बन सकता है ना, कि आईज आर नॉट हेयर का क्या मेन पॉइंट क्या है, इसमें समरी क्या है आईज आर नॉट हेयर की। डेथ ऑफ अ हीरो, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, जे एन एम्बकर का चैप्टर है। इसमें एक स्कूल टीचर है ना, जो कि अपने प्रिंसिपल्स पे चल रहा है, ही इज़ गेटिंग ओनली सैलरी एंड बट व्हाट हैपन्ड कि उसका जो स्कूल है उसमें वी नो दिस थिंग कि जो पावरफुल लोग होते हैं ना, दे आर नॉट एजुकेटेड बट स्टिल दे कैन डू एनी थिंग बिकॉज ऑफ देयर पावर, है ना। जो पॉलिटिक्स होते हैं, वी नो दिस थिंग कि पॉलिटिशियंस दे कैन डू एनी थिंग रादर देन दिस कि वो पढ़े लिखे होते ही नहीं हैं। डेथ ऑफ अ हीरो में भी क्या है, एक जो टीचर है वो बहुत मेहनत से बच्चों को पढ़ा रहा है, वो गलत को गलत ठहराने की कोशिश कर रहा है, सही को सही, लेकिन व्हाट हैपन्ड कि एक उनकी वरिंदर नाम का उनके स्कूल में बच्चा आता है जो कि उनका जो स्कूल की जो कमेटी है उन्हीं के पर्सन में से, मैनेजिंग कमेटी की पर्सन के नोन है, तो वो कुछ हरकतें ऐसे करता है, गलत हरकतें करता है जिससे कि जो टीचर है वो उसके ऊपर कंप्लेंट भी करने की कोशिश करता है लेकिन उसको दबा दिया जाता है और एंड में उसे हारना ही पड़ता है। मतलब ही ट्राइड अ लॉट कि वह वो जो टीचर है वो सही कर दे सारी चीज़ों को, बट व्हाट हैपन्ड एट लास्ट उसे हारना ही पड़ता है। तो द थिंग इज़ कि अपना जो सोसाइटी है इसमें क्या है, करप्शन इतनी ज़्यादा है, पावरफुल लोग हमेशा जीतते हैं और जो सही होते हैं वो कहीं ना कहीं हार जाते हैं। देन वी हैव फोर्थ चैप्टर ग्रीफ। ग्रीफ चैप्टर अगेन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा रशियन टच का चैप्टर है, एंटन शेकोव ने लिखा है, रशियन राइटर है।
इसमें क्या है, सारे नेम्स हैं, जितने भी नेम्स हैं वो सारे रशियन हैं। एंड ग्रीफ का मतलब है दुख। जो चैप्टर है उसमें यही बात कही गई है कि एक जो रिक्शा पुलर है, स्लेज पुलर है, जो बर्फ़ पे अपनी वो चला रहा है ना, जो अपना रिक्शा को पुल कर रहा है, और व्हाट हैपेंड ओवर देयर कि उसके बेटे की डेथ हो गई है, बट नोबडी इज़ देयर टू लिसन हिज ग्रीफ। उसके जो तांगा है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे से लड़के बहुत गंदी लैंग्वेज बोलते हुए चढ़ते हैं, उसे बहुत गंदा बोलते रहते हैं कि तुझे ये नहीं पता यहाँ पे रोकनी है, हमने यहाँ पे उतरना है या वहाँ जाना है, तो बड़ी रबिश से लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं। बट स्टिल जो रिक्शा पुलर है वो बहुत आराम से उसकी बातों को उनको सुनता रहता है। उसे ऐसे होता है कि मेरे से भी कोई मेरा दुख सुने लेकिन उसका कोई भी दुख नहीं सुनता। सो ग्रीफ चैप्टर में क्या है कि उसका जो दुख है वो कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, एंड ही एट लास्ट व्हाट हैपन कि वो अपना दुख है जानवरों को सुनाता है। अंकल पोजर हैंग्स अ पिक्चर, ये आप सबने ऑलरेडी पढ़ा होगा, जेरोम का है, कि इसमें कैसे जो अंकल पोजर है वो एक पिक्चर हैंग करने के लिए सारी फैमिली को तंग कर देता है। इवन उसकी वाइफ भी घर से चली जाती है कि जब तुम ये काम कर लोगे ना तब मुझे बुला लेना। वो कैसे एक को उसके लेने भेज देता है, उसके पीछे किसी को मेजरमेंट लेने के लिए भेज देता है, किसी को कीले लेने के लिए भेज देता है ना। तो इस तरह से वो कैसे एट लास्ट जब पिक्चर हैंग होती है तो वो पूरी टूट चक चुकी होती है और बुरी तरह से वो टंगी होती है। एंड एट लास्ट व्हाट हैपन कि अंकल पोजर कहता है मुझे नहीं पता लोग छोटे छोटे कामों के लिए बाहर से लोगों को क्यों बुलाते हैं, जबकि उसका काम बिल्कुल ही गंदे तरह से वो करता है, बट स्टिल उसे पूरी अपने आप पे वो होता है, अपनी पूरा बोस्टफुली वो कहता है कि पता नहीं लोग बाहर से लोगों को क्यों बुलाते हैं, काम तो घर पे हम खुद भी कर सकते हैं। डॉक्टर्स वर्ड आपने पढ़ा होगा, आर के नारायण का चैप्टर है। डॉक्टर्स वर्ड में क्या है कि जो डॉक्टर के वर्ड होते हैं ना वही पेशेंट को सही कर देते हैं। जैसे कि इसमें रमन नाम का डॉक्टर है, वो अपने फ्रेंड को क्या कहता है, वैसे तो जो उसके पास पेशेंट्स जाते हैं उनको वो सच बोल देता है कि तुम नहीं जियोगे या तुम नहीं ठीक होगे या तुम ठीक हो जाओगे, तो पेशेंट्स वैसे ही रिस्पॉन्स करते हैं। डॉक्टर जो रमन है वो बहुत फेमस डॉक्टर है, उसके पास लोग दूर दूर से तब आते हैं जब उनकी सिचुएशन बिल्कुल हाथ से निकल जाती है। लेकिन व्हाट हैपन कि एक बार डॉक्टर रमन का खुद का फ्रेंड है वही बीमार हो जाता है, तो उसे समझ में नहीं आता मैं सच कैसे कहूँ, क्योंकि वह है उसे दिल से जुड़ा हुआ है, इमोशनली अटैच्ड है, तो वो उसे यही कहता है कि नहीं तुम सही हो जाओगे। लेकिन व्हाट हैपन एट द एंड कि रादर इंस्टेड ऑफ दिस कि उसका जो फ्रेंड था वो बहुत बुरी तरह से बीमार था, उसके बचने की उम्मीदें नहीं थी, पर क्योंकि डॉक्टर रमन जो कि फेमस था उसने इसे कह दिया कि हाँ कि तुम सही हो जाओगे, तो वो सही में उस चीज़ को उसी तरह लेता है और पेशेंट बिल्कुल सही हो जाता है। मतलब डॉक्टर्स वर्ड आर वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वो तुम्हें कह देते हैं कि तुम सही हो जाओगे तो तुम सही हो सकते हो, अगर तुम वो तुम्हें ये कह देता है कि तुम तो कभी सही नहीं होगे, तो हम ऐसे ही पेशेंट उसको लेता है। ग्रीन पैरट्स इन अ केज में टू स्टोरीज साइमल्टेनियसली चलती है, एक तो दो पैरट्स हैं जो केज में हैं और दूसरी साइड में क्या है कि डिवाइड हो रहा है इंडिया, उस टाइम की लड़ाई है कि कैसा माहौल है बाहर, है ना। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसका क्वेश्चन भी आ जाता है आप कर लेना। देन डोल्स हाउस है, बच्चों पे है, इसमें क्या है कि जो गरीब और अमीर के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है, तो ये भी ठीक है, मतलब ये चैप्टर भी आप कर लेना। सर्विस ऑफ लव आपने पढ़ा होगा, जैसे कि मतलब एक दूसरे के लिए वो दोनों एक कपल है, दोनों की जब मैरिज हो जाती है तो एक जना ड्राइंग आर्ट्स में चला जाता है, आर्ट उसे पसंद होती है, एक म्यूज़िक में चला जाता है, वो अपने म्यूज़िक का सामान बेच देता है उसके लिए, उसके आर्ट के लिए, वो आर्ट का सामान बेच देता है उसके म्यूज़िक के लिए। सो सर्विस ऑफ लव मतलब जब एक दूसरे को हम लव करते हैं तो हम दूसरे की कदर करते हैं और हमारी जो खुशी है वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। डस्क चैप्टर भी ठीक है, मतलब आप इतने से चैप्टर कर लो इससे आपका काम हो जाएगा। एंड स्टूडेंट्स जो आपने एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम देने के बाद वो आपको ना हार्ड कॉपी जमा करवानी होगी कॉलेज में, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको भेज दूंगी। आप जस्ट पेजेस लेके उस पर अपना नाम, कॉलेज रोल नंबर ज़रूर लिखना, बच्चे ना कॉलेज रोल नंबर लिखते नहीं हैं। प्लीज़ एवरीबडी लिसन टू मी कि यू हैव टू राइट योर कॉलेज रोल नंबर along with your university roll number and your name should be on your sheet, होना चाहिए, okay, your college roll number, university roll number और आपका खुद का नाम, आपकी class, आपका paper का नाम और teacher का नाम, यानी section आपका उस पर होना चाहिए, so that we can collect your paper according to your sections। और आपको information मैं डाल दूँगी
कि पेपर आपने किस दिन कॉलेज में जमा करवाना है, ठीक है। मेल पे आपने भेजना है ना नहीं भेजना है उसके बारे में मैं आपको नहीं बता रही हूँ, लेकिन आपने कॉलेज में हार्ड कॉपी जमा करवा के जानी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। 23 को आपका एग्ज़ाम है तो आप तैयारी करते रहिए। वैसे 15 से आपके कल को पेपर स्टार्ट है, इसलिए मैंने अब आपको चैप्टर्स कराने बंद करवा दिए ताकि आप, क्योंकि अब आप वो पढ़ोगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।